हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, अभी मई के मंथ में साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड की तरफ से आईटीआई की अप्रेंटिस निकाली गई थी काफ़ी सारी ट्रेड्स के लिए, तो अब उनका शॉर्ट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप उसे कहाँ से और कैसे देख सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस भी रिलीज़ किया गया है, तो हम उसको भी देखेंगे और आगे का प्रोसेस क्या है। आपको डीवी के लिए जाना है तो डीवी की डेट क्या होगी और आपको क्या क्या लेकर जाना है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप बने मेरे साथ और देखिएगा इस वीडियो को टिल लास्ट एंड। फ्रेंड्स, इफ़ यू विजिट माई चैनल फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई चैनल्स वीडियोज़ एंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल नोटिस और आपकी ट्रेड से रिलेटेड शॉर्ट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए SECL की इस ऑफिशियल पेज पर आ जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। फ्रेंड, जो ऑफिशियल नोटिस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश में और यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन SECL फॉर ईयर 2019-20, नोटिस नंबर SECL BSP HRD 19-2002, डेट 16-8-2019। तो फ्रेंड्स, आप उस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट लिस्ट रिलीज़ की गई हैं वो दो तरह से की गई हैं। एक आपकी है प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट ट्रेड वाइज, एंड फ्रेंड्स जो आपकी सेकंड लिस्ट है वो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ट्रेड वाइज है। फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनमें से यदि किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 15 ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस निकाली गई थी, उन सभी की शॉर्ट लिस्ट को यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं, कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, ड्रॉट्समैन सिविल, ड्रॉट्समैन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। एंड फ्रेंड्स, नीचे भी सेम है और इनकी वेटिंग लिस्ट दी गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अपनी लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली अपनी ट्रेड वाले नेम पर क्लिक करना है और आपकी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्लम्बर ट्रेड की शॉर्ट लिस्ट को डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, देन आपका नेम दिया गया है, जैसे कि तापस चौधरी, देन उनके फादर का नेम दिया गया है दीपक चौधरी, देन उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है 25 अप्रैल 1977, और यहाँ पे कास्ट कैटेगरी दी गई है कि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उनके जो मार्क्स हैं आईटीआई में वो 90% हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सिलेक्शन होना था वो आपके आईटीआई के मार्क्स के परसेंटेज के बेसिस पर होना था। तो आप देख सकते हैं, पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, देन कैंडिडेट नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट और आपके आईटीआई के परसेंटेज दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल प्लम्बर ट्रेड के लिए 50 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, जो तरह से आप अपनी शॉर्ट लिस्ट देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्लम्बर ट्रेड की ही वेटिंग लिस्ट को ओपन किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट लिखा था, इसमें प्रोविजनली वेटिंग ट्रेड अप्रेंटिस लिखा है और ट्रेड यहाँ पे प्लम्बर ही है। फ्रेंड्स, जिस तरह से उसमें आपकी सारी डिटेल्स दी थी, इसमें भी आपकी सारी डिटेल्स को वैसे ही दिया गया है और आपके परसेंटेज और मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे टोटल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 51 से 100 तक के नंबर हैं, मीन्स यहाँ पे टोटल 50 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, 50 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और 50 को सिलेक्ट किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं और आपको डीवी के लिए किस डेट में जाना है वो भी देखते हैं।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो इसके लिए इसके शॉर्ट लिस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस था उसको ओपन कर लिया है। ये इसकी वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह से सिलेक्शन होना है, वो यहाँ पे दिया गया है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ परसेंटेज, प्रोविजनली सिलेक्शन एंड प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कट ऑफ परसेंटेज देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कोपा में 81.10 है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 85.75 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 84+ है, स्टेनोग्राफर हिंदी में 87+ है, इलेक्ट्रीशियन में 84+, फिटर में 84+, वेल्डर में 81+, टर्नर में 82+, देन मशीनिस्ट में 81+, डीजल मैकेनिक में 85+, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 85+, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में 82+ हैं, देन प्लम्बर ट्रेड में 81+ हैं और कारपेंटर ट्रेड में 79+ हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि जो कट ऑफ परसेंटेज रखे गए हैं वो काफ़ी हाई रखे गए हैं। जो यहाँ पे आप सबसे कम देख रहे हैं वो 79 है, मींस जो मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं वो ही 79 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, जो अदर कास्ट के लिए है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 67 है, और जो नॉर्मल है वो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग है 72, 73, 77, 74, 78, then 75 के अबव हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आप इसी पेज पर नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखकर आ रहा है दीज प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदिरा विहार सीपत रोड सरकंदा बिलासपुर। तो फ्रेंड्स, ये आपके DV का वेन्यू है जहाँ पे आपको जाना है। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए निकाला गया था, इसलिए आपको DV कराने के लिए भी वहीं पर जाना होगा। देन फ्रेंड्स, आप आगे का देखेंगे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ एट 9 AM आपकी जो पहुंचने की टाइमिंग है वो 9 AM होगी। ऑन द डेट्स मेंशन अगेंस्ट देयर प्रोविजनल सिलेक्शन, आपकी ट्रेड के लिए आपके रोल नंबर के लिए जो डेट मेंशन की गई है उस डेट पे आपको मॉर्निंग में 9 AM पर वहाँ पर पहुँच जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्टिंग कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट बिफोर कमिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंश्योर दैट, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने होंगे वहाँ पर जाने से पहले। फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर जाने से पहले आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है, और जिस डॉक्टर से बनवाना है उसकी रैंक असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे नहीं होनी चाहिए, और उसमें डॉक्टर की स्टैंप लगी होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, और जिस डेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 27 मई 2019 मींस जिस दिन इसका रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया गया था उस डेट के बाद का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में उन्हें कोई डाउट लगता है तो वो आपका फिर से मेडिकल कराएंगे उनके खुद के मेडिकल सेंटर में, जो कि है SECL का। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अपना मेडिकल करा के सारे चेकअप्स करा के ले जाइएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप वहाँ से जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको किस रीज़न के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, जब आपने इसके लिए फॉर्म को फिल किया था तो आपने अपनी ITI की मार्कशीट अपलोड की थी, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट, और आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर, आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपने वहाँ पर इंफॉर्मेशन सबमिट की थी। तो आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना है, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए थे वो भी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल में, और फोटोकॉपी में भी ले जाइएगा, और फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। फ्रेंड्स, आपको
एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है, नोटराइज्ड होना चाहिए जो कि, और आपको एफिडेविट किस तरह से बनवाना है ये इसके ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो उसका लिंक में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स ले जानी है 4। जो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वो आपका 1/4/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, या वो 1/4/2019 की डेट का होना चाहिए, या उसकी बाद की डेट का होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अपनी आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है, ये मैंने अभी आपको बताया, और आपके जिस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है वो पासबुक की आपको कॉपी लेके जानी है, बैंक अकाउंट की कॉपी। फ्रेंड, जो आपकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी होगी और जो आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी तो वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी, तो आप एक कॉपी एक्स्ट्रा में लेकर जाइएगा ताकि कोई और काम हो तो आप वहाँ पे उसे शो कर सकें। फ्रेंड, जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक हो जाएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको आपका अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा और आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपका वहीं पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो आपको 1 ईयर की ज्वाइनिंग के लिए प्रिपेयर होके जाना है। फ्रेंड्स, आपको SECL की डिफरेंट माइंस में भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, जो कि MP और छत्तीसगढ़ की होंगी। फ्रेंड्स, यदि किसी कारण की वजह से आपका रिजेक्शन होता है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या आपने फॉर्म फिल करते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। फ्रेंड्स, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया गया है, आपको DV के लिए बुलाया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप DV के लिए नहीं जाते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनका मेरिट के अकॉर्डिंग नेम आ रहा है आपसे नीचे, तो उन्हें ले लिया जाएगा, और फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप नहीं आ पाए थे, क्यों नहीं आ पाए थे। आपको जो डेट बताई गई है उसी डेट में वहाँ पे जाना है, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, यदि आपका नेम सेलेक्ट नहीं हुआ है लेकिन आपके जो परसेंटेज है वो कट ऑफ परसेंटेज से अबव है आपकी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप GM HRD SECL में 19 अगस्त 20 अगस्त और 21 अगस्त को 10 AM के बाद अपने रिलेटिव डॉक्यूमेंट, अपनी मार्कशीट, अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ वहां पर जा सकते हैं, और आपको रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट भी सबमिट करना होगा, जिसका फॉर्म मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कुछ टाइम बाद। फ्रेंड्स, जो आपको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में सबमिट करने की डेट दी गई है, यदि आप उसके बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कंसीडर नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह के 10 बजे से दिन के 1 बजे तक। फ्रेंड्स, जो इनका ऑफिस है वो संडे को क्लोज रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं चेकलिस्ट फॉर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 1920। तो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको ये प्रोफॉर्मा प्रिंट करा के इसको फिल करके ले जाना होगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल यूज बाय HRD डिपार्टमेंट ओनली, तो ये जो हैं ऑप्शंस दो इनको आपको फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर का मैटर ही फिल करना है। फ्रेंड्स, अभी जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट की बात हो रही थी वो ये है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका मार्क्स अच्छे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको इसका प्रिंट निकलवा कर इसको फिल कर लेना है और 19, 20 और 21 तारीख में वहाँ पर सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपकी DV की डेट्स। आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल डेट्स फॉर DV और प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन की डेट है वो 3 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हैं, और जो फिटर की डेट्स हैं वो 3 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हैं, जो कोपा की हैं वो 3 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हैं। इसी तरह से अलग अलग ट्रेड की डेट्स यहाँ पर दी गई हैं और उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं कि 1 से 100 तक के 5
सेप्टेम्बर को हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी डेट देख लीजिएगा और सही डेट पर जाइएगा। देन फ्रेंड्स आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की गई है, यहाँ पे उनकी डीवी की डेट्स दी गई हैं, वो भी ट्रेड वाइज दी गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना ऑफिशियल नोटिस जाकर देख लीजिए, अपनी शॉर्ट लिस्ट में अपना नाम सर्च कर लीजिए और अपनी डीवी की डेट देख के वहाँ जाने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिए और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट करके एक फाइल में अच्छे से लगा कर रख लीजिए। और फ्रेंड्स अभी से जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रिपरेशन करिए और जाइए और बनवा लीजिए, क्योंकि इन कामों में थोड़ा वक्त लगता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और डीवी के लिए ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आई होगी और आपके कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।